गैर पश्चिमी से समाजवादी पार्टी के टिकट कटने के बाद ऋचा सिंह चुनावी मैदान में है, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, मुश्किल डगरों पे चलने का पूरा हौसला समाजवादियों को होता है, क्योंकि हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं, तो हर मुश्किल डगर पे हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव कितना? देखिए, इस बार जनता चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही चुनाव प्रचार में दिखा चुकी है। जब मंत्रियों को घरों से और गाँव से वापस किया जा रहा है, तो ये चुनाव चूँकि लोकतंत्र का एक स्वस्थ हिस्सा है, तो हम लोग इसमें जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से परेशान है और जुमलेवादियों को सबक सिखाने के लिए जनता लगता है यूपी कैबिनेट मिनिस्टर झूठा वादा कर रहे हैं। यूपी कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा यूपी के सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, सभी लोग चूंकि सिर्फ जुमलों पर आधारित है, तो वो लगातार झूठे वादे करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि जनता जनार्दन है, जो उनको सदन भेजना और कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बनाती है, वही उनके झूठ बोलने पर उनको वापस उनके घरों में भेजने का काम करेगी। वो तो कह रहे कि हम सीएम और पीएम के एक्सपेरिमेंटल बॉय हैं। देखिए, मैं उनकी भाषा का जवाब नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अपशब्द और बहुत ही निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और निम्न स्तरीय भाषा का जवाब देने के लिए उस स्तर पर जाना पड़ता है। हम लोहिया जी का और समाजवाद को अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, इसलिए हम लोग अपनी भाषा के संयम को बरतते हुए उनको ये बताना चाहते हैं कि अपने आप को खुद ही सारा एक्सपेरिमेंट समझ लेना, ये इस बात का प्रमाण है कि वो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए नहीं है और उनको व्यवहारिक ज्ञान की बहुत कमी है। सिद्धार्थ नाथ को व्यवहारिक ज्ञान सीखना चाहिए, इसके लिए उनको कुछ दिन जो है जनता के बीच में जाकर प्रवास करना। क्या प्राथमिकताएं होंगी? ये थी हमारे साथ ऋचा सिंह, जो समाजवादी पार्टी से शहर पश्चिमी से उम्मीदवार हैं, और ये नए वादे और जुमलों का बातें जो करते हैं बीजेपी के लोग, उनका निराधार बताती है और कहती है हम बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और इस बार समाजवादी पार्टी से शहर पश्चिमी से भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। विजेंद्र के साथ आनंद राज, NVT ऑनलाइन, प्रयागराज।